गाइस वेलकम टू जेजे ऑटोमोबाइल व्लॉग्स और मैं हूं जितेश। तो भाई आप लोगों को आज अपने साथ दोबारा से साहिल भाई दिख रहे होंगे और आप लोग समझ रहे होंगे भाई कौन सी गाड़ी रहने वाली है। जो भाई चैनल को नहीं हो भाई सब्सक्राइब कर देना और जाके पिछले वीडियोस देख लेना, आपको समझ आ जाएगा भाई। तो अपने पास जो कार रहने वाली है वो रहने वाली है वर्मा। तो भैया से पूछते हैं भैया क्या कराना है गाड़ी में, आज गाड़ी में भाई खर्चा कर रहे हैं भाई, आज गाड़ी में बढ़िया वाला खर्चा कर रहे हैं और 18-20 हजार में गाड़ी में फूक रहे हैं। भैया किस चीज के लिए फूक रहे हैं बता दो। तो मॉडल हेडलाइट आज दी थी भाई वर्नो में, तो ऑल इंस्टॉल करवाई भाई। जो अपने पास मॉडल रहने वाला है वो रहने वाला है बीच वाला मॉडल, अपने बेस से ऊपर वाला मॉडल है। और जो हेडलाइट्स हम इंस्टॉल करवाने वाले हैं वो करवाने भाई हाई एंड वाली, जो टॉप एंड मॉडल के अंदर अपनी आती है। और आपको एक और चीज बता दूं भाई, जो टॉप मॉडल में आती है अपने हेलोजन आता है, बट जो हम इंस्टॉल करवाने वाले हैं भाई वो करवाने वाले साथ में HIDs इंस्टॉल करवाने वाले हैं, ताकि हमें क्योंकि हमें चाहिए थी व्हाइट लाइट, तो भाई हम इसके अंदर व्हाइट लाइट इंस्टॉल करने वाले हैं। तो आपको सब कुछ बता दूंगा क्या क्या इंस्टॉल करवा रहे हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबाइए सब्सक्राइब बटन को और साथ में इस बेल आइकन को भी, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो गाइस ये रहा अपना काम बिल्कुल चालू हो चुका है। और ये देखो अपनी स्टॉक वाली लाइट है ये रही भाई, कुछ नहीं है बिल्कुल सिंपल है। इसमें H4 वाला जो अपना होल्डर आता है वो आता है। तो भाई बिल्कुल जो अपनी जेन्युइन टॉप मॉडल वाली आती है लाइट है वो इसके अंदर इंस्टॉल हो रही है, जैसे आप लोगों ने भाई अपनी बलिनों में देखी थी पूरी इंस्टॉल होते हुए। तो भाई ये पूरी स्टॉक वाली बाहर आ जाएगी और बंपर सब कुछ खुल रहा है। तो भाई अभी से स्टार्टिंग से पूरी वीडियो दिखा रहा हूँ, ताकि आपको लगे कि भाई यही वाली कार थी और इसी के अंदर हमारा सारा काम हो रहा है। एक बार देख लो। और भाई ये कार आपने देख रखी होगी भाई, जैसे कि पहले बताया, नहीं देखी तो भाई इसके 2 व्लॉग्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, जाके आप चेक कर लेना। एग्जॉस्ट भी डला हुआ है, अपनी डीजल कार है उसके अंदर भाई अपना एग्जॉस्ट भी डला हुआ है, तो वो सारा आप कंप्लीट देख लेना। और एक बार ये खुल जाए फिर उसके बाद पूरी इंस्टॉलेशन वगैरह देखते हैं और बताऊंगा कि कौन सी लाइट वगैरह हम डलवा रहे हैं। और जैसे आपको पता होगा गाइस, जो है हुंडई की जो भी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं उसके अंदर सारा हेलोजन आता है अपना, बट हम उसे भी अपग्रेड करवा के हम इसके अंदर व्हाइट लाइट डलवाएंगे, अपनी HIDs डलवाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रोसेस आता है, तो आगे देखते हैं कैसे होने वाला सब। तीन लाइट बट खुल गए हैं और भाई ये लाइट हटाई दो। तो भाई ये अपनी पूरी लाइट वगैरह बाहर निकल गई है, देखो ये आ गई भाई स्टॉक वाली। तो भाई ये वाली भी निकाली लो अपनी, तो देखो भाई ये स्टॉक वाली एज इट इज हमने बाहर निकाल के रख दिया, ये भी आ गई। और भाई जो प्रोजेक्टर कौन से डलवा रहा हूँ वो भी दिखा देता हूँ भाई। ये रहे अपने टॉप मॉडल वाले जो प्रोजेक्टर है भाई, वो ये रहे। और एक बार आप कंडीशन देख सकते हो कितनी साफ सुथरी कंडीशन है। पहले क्लियर कर दो भाई, ये अपनी सेकंड हैंड लाइट्स होती है, नई लाइट्स नहीं होती अपनी, जो हम डलवा रहे हैं भाई सेकंड हैंड लाइट ही है। हो सकता है आपको मार्केट में नए ऑप्शन में मिल जाए, बट भाई जो ये वाली लाइट है सेकंड हैंड है। और फिर भी आप कंडीशन देख सकते हो कितनी साफ सुथरी इसकी कंडीशन है। और ऐसी अपनी दूसरा भाई इसकी दूसरी लाइट है, तो आपने ये कंडीशन देख ली। और अब एक बार देखते हैं किसका आगे इसमें प्रोसेस क्या रहने वाला है पूरा लगने वगैरह का। तो भाई आगे अब क्या होना है इसका नेक्स्ट, इसमें रिले लगेगी और भी वायरिंग होगी, वायरिंग होगी। क्यों भाई मैं आपको बता देता हूँ वायरिंग क्यों होती है, क्योंकि जो अपना इसमें होल्डर होता है वो अपना H4 होता है। ये देखो भाई यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इसमें डिफरेंट वायरिंग होती है अपनी और इस प्रोजेक्टर के लिए अपनी डिफरेंट वायरिंग बनती है। तो पूरा उसका हिसाब देखते हैं कैसा क्या रहेगा और HID वगैरह कौन सी लगा रहा हूँ वो सब मैं आपको दिखाता हूँ आगे। सो गाइस जो आपको बता रहे थे जो अपनी HID हम गए वो CN Lite की HID डलवा रहे हैं, और जो ये केल्विन है भाई हम 8000 केल्विन वाली डलवाएंगे। तो ये वाला पूरा हिसाब देख लो। और वायरिंग का प्रोसीजर अपना स्टार्ट हो चुका है, देखो ये पूरी रिले वगैरह लगती है। तो भैया एक चीज क्लियर करो, वायरिंग स्लिप या कट तो कुछ नहीं होगी? कुछ नहीं होगी भैया, कपलर टू कपलर है सारी वायरिंग में। तो भाई देखो ये अपना H4 कपलर होता है और जो कंपनी का कपलर आता है वो भी H4 कपलर आता है, तो सीधा ये कपलर इंस्टॉल हो जाएगा और कोई वायरिंग में इशू नहीं आएगी। और ये मैंने आपको HID दिखा दी। और भाई यहाँ पे अपने पूरा प्रोजेक्टर की जो वायरिंग वगैरह होती है वो सेट हो रही है यहाँ पे DRL वगैरह के लिए। तो भाई जो इसमें अपनी कॉर्नरिंग लाइट्स होती हैं वो भी हम ऑन करेंगे, वो हम कौन से बीम से, लो से ऑन करेंगे हाई से ऑन करेंगे? हाई से ऑन करेंगे। तो भाई वो हम हाई से ऑन करेंगे, मैं आपको दिखा दूंगा। उसके अंदर हम LED डलवा रहे हैं हम, और LED डलवा रहे हैं वो डलवा रहे हैं नाइट आई की, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। एक बार ये पूरा प्रोसेस वगैरह हो जाए कंप्लीट, इसके बाद आपको मैंने वायरिंग दिखा दी और HIDs मैंने आपको दिखा दिया CN Lite की 8000 केल्विन वाली हमने डलवा रहे हैं। और जब ये पूरा ये प्रोजेक्टर लग जाएगा और जो HID जब इंस्टॉल होगी उसके बाद मैं आपको वो सब दिखाता हूँ। अपने देखो लाइट यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है पूरी, अब देख लो। और जो लाइट वाली वायरिंग होती है जो लाइट से बनती है वो पूरी बन चुकी है। और अब देखो ये सारा कपलर वाला हिसाब हो रहा है, अपनी जो HID डली है भाई CN Lite का उसका ये कपलर पूरा अटैच हो रहा है और प्रोजेक्टर के अंदर भाई CN Lite की HID डलवा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और साइड में भाई अपनी नाइट आई की LED डलेगी वो भी डल चुकी है। तो हमने जो साइड में है गाइस वो अपना हाई बीम से ऑन करवाया है, और एक बार ये आप देख लो। और इस साइड भाई अपने दूसरा वाला प्रोजेक्टर ये रखा हुआ है और ये वायरिंग वगैरह भाई इसकी कर रहे हैं। जो भाई देखो एक्स्ट्रा वायरिंग है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं अपनी एक्स्ट्रा वायरिंग रिले में चेंज हो रहे हैं, उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा। और भाई देखो ये बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आ गई इसकी, साइड से आपको फिटिंग दिखाऊं तो भाई बढ़िया फिटिंग आई है, कोई इशू नहीं आया फिटिंग में, आप देख लो। और एक बार लुक इसकी चेकआउट कर लो, और जब इसकी DRL वगैरह जल जाएगी उसकी भी पूरी लुक मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस देखो ये पूरा काम अब कंप्लीट हो चुका है भाई, अब DRL चला के दिखा रहे हैं आपको भाई। DRL की वायरिंग हो गई ना भाई? तो भाई ये देखो अपनी DRL की पूरी वायरिंग हो गई और DRL भाई ऑन हो गई। ये देखो यहाँ से वायरिंग है पूरी, ये टच करती है भाई ऑन हो गई, और देख लिया बिल्कुल ऑन हो गई। और भाई प्रोजेक्टर वगैरह की हो गई हमारी वायरिंग? तो भाई एक बार वो भी चला के दिखा दो यार।
तो गाइस एक बार मैं आपको वो भी चला के दिखा देता हूँ, अपना लो बीम हाई बीम सारा, और जब कंप्लीट काम हो जाएगा उसके बाद मैं आपको हर एक चीज दिखाऊंगा। भाई अभी डिपर दिखा दो। तो गाइस देखो अपना डिपर बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, और अपनी सीएन लाइट की 8000 केल्विन वाली लाइट है, तो थोड़ा सा टाइम ले रही है अपनी गर्म होने में। भाई बड़ी ऑन करके छोड़ दो। तो भाई देखो ऑन करके छोड़ दिया और धीरे धीरे करके रिस्पॉन्स होगी। डिपर मारना भाई। तो भाई देख लो, और इस साइड भी एक बार इस साइड भी दिखा देता हूँ। वायरिंग कर दो भाई, डिपर मारो। तो भाई देखो जो मैं आपको बता रहा था, हमने सीएन लाइट की कॉर्नरिंग लाइट्स में जो लाइट ऑन करवाई है अपनी हाई बीम से ऑन करवाई है, और आप देखो ये भी डिपर मारा भाई, छोड़ दा डिपर मारना। तो भाई देखो ये रिस्पॉन्स भी आप देख लो, और जब एक बार ये सारा कुछ पैक हो जाएगा उसके बाद मैं आपको पूरी इसकी सारी लाइट वगैरह दिखाता हूँ और सारी प्रोजेक्शन वगैरह दिखाता हूँ कैसी आ रही है। सो गाइज अपना सारा काम कंप्लीट हो चुका है, और एक बार आप लुक चेकआउट कर लो, बंद करेगी और आप एक बार लुक देख लो भाई, बहुत ही जबरदस्त लुक आ रही है, और भाई टॉप मॉडल के अपने प्रोजेक्टर लगवाना बिल्कुल वर्थ है। तो भाई अपने सिर्फ डीआरएल ऑन कर दो। तो भाई ये अपने सिर्फ डीआरएल ऑन होगी, अपनी नीचे और ऊपर दोनों डीआरएल है, और भाई जो डीआरएल का कनेक्शन है वो अपना इग्निशन के साथ है, हम जैसे अपना इग्निशन ऑन करेंगे अपनी डीआरएल ऑन हो जाएगी। और एक बार आप लुक चेकआउट कर लो भाई, अपना लोबीम ऑन कर दो इसका। तो भाई अपना लोबीम ऑन हो गया, लोबीम के साथ अपना प्रोजेक्टर भी ऑन था। तो अपनी 8000 केल्विन वाली सीएन लाइट की चाहिए डली है, तो उसका आप एक बार रिस्पॉन्स लो, धीरे धीरे ब्राइट अप हो रही होगी, अभी आपको कलर में डिफरेंस दिख रहा होगा, पर एकदम जैसी ब्राइट अप हो जाएगी पूरी उसके बाद आप कलर का कलर देखना, और देखो यहां तक आपको इफेक्ट दिख रहा होगा भाई लाइट का। तो अभी इतने ब्राइट होने के बाद भाई कलर आप देख सकते हो, रोशनी कितनी प्यारी आ रही है इसकी और कितनी जबरदस्त रोशनी है, और भाई जो सीएन लाइट की चाहिए डलवाई है प्रोजेक्टर के साथ बहुत ही जबरदस्त काम कर रही है, एक बार देख लो आप, और एक बार बिल्कुल गर्म हो जाएगी। तो और देखो सामने देखो भाई ये अपनी पूरी लाइट, और इस साइड में आपको दिखा देता हूँ एक बार देख लो। तो भाई एक बार अपना हाई बीम ऑन कर दो। तो भाई अपना ये हाई बीम ऑन हो गया, देखो जो कॉर्नरिंग लाइट है वो भाई एक बार बंद करना हाई बीम। तो देखो भाई आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, डिपर मारना भाई डिपर। तो भाई डिपर का रिस्पांस आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको डिपर का रिस्पांस भाई, करना डिपर। तो भाई देखो रिस्पांस देख लो, और भाई बहुत ही जबरदस्त काम हो चुका है, बिल्कुल सब कुछ हो चुका है, और जो भी अपना सारा काम हुआ है भाई वो अपने इन्हीं अपने स्विच से हुआ है, ये देख लो इन्हीं वाले स्विच से हुआ है। देखो अपने हाई बीम और इस साइड भी दिखा देता हूँ भाई, बहुत ही बढ़िया काम हुआ है, और फिटिंग वगैरह भी काफी सही आ गई है लाइट की, और लुक आप देख ही सकते हो। और अगर इसका आपको नाइट व्यू देखना है तो भाई इंस्टाग्राम पे नाइट व्यू डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप इंस्टाग्राम पे इसका नाइट व्यू ये देख सकते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को एक और फीचर दिखा दूं भाई, जैसे इस कार के अंदर अपना ऑटोमेटिक फीचर है, मतलब ऑटो हेडलैम्प्स वाला, देखो अनलॉक करते भाई बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, और किसी को डाउट होता है कि भाई ये अपना फीचर खराब हो जाएगा इस लाइट मतलब लाइट इंस्टॉल करवाने के बाद, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, देखो अपना लॉक करके बंद और अनलॉक करके बहुत ही बढ़िया कर रहा है। और भाई एक बार सामने से आपको रिस्पांस दिखाऊं तो भाई रिस्पांस भी बहुत प्यारा है, अपना लो भी मोने है, और एक बार देख लो ये बंद करता हूं मैंने, और भाई अब रिस्पांस देख लो, एक बार सामने से भी रिस्पांस दिखा दो तो आपको भाई बहुत बढ़िया हुआ है काम, और जो भाई HID डली है उसका कलर भी बहुत परफेक्टली मैच कर रहा है अपने यहाँ पे देख लो ये वाला, और इसे जैसे अपना भाई लॉक करो ये अपनी बंद, तो भाई आप ये देख सकते हो और ये बढ़िया बिल्कुल फर्स्ट क्लास अपना काम कर रहा है। तो गाइस आप लोगों ने पूरी इंस्टॉलेशन वगैरह और सारा प्रोसेस देख लिया है, और हर एक चीज आपने देख ली, अपनी DRL भी ऑन हो गई, अपनी भाई HID ऑन भी हो गई, अपने हाई बीम भी ऑन हो गई, अपना लो बीम भी ऑन हो गया, और अपनी कॉर्डनिंग लाइट्स भी ऑन हो गई। तो भाई अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे भाई वारंटी इशू, डिपल भैया बताओ वारंटी का कोई इशू आएगा? वारंटी इशू नहीं आएगा, सब भाई कोई वायरिंग हमारी ना कट करी है, ना कोई स्लिप करी है, बिल्कुल अपना अपना कपलर टू कपलर वाला हिसाब है। चल भैया आप बताओ मजा आया? मजा आ गया, और रोशनी अच्छी लगी? सॉलिड। और लाइटों की कंडीशन बताओ, लगता है ज्यादा पुरानी है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो भाई आपने भाई के मुझे भी सुन लिया और डिंपल भाई के मुझे भी सुन लिया, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा भाई प्राइस का, तो भैया अगर जो अपनी स्टॉक वाली आती है जिसमें हेलोजन आता है उसका क्या रेट आएगा जिसको डलवानी है? तो अप्रॉक्सीमेट कोई 20 के अराउंड आएगा, ये अप एंड डाउन होता है। तो भाई 20,000 रुपए का सिर्फ आपका हेलोजन वाला हिसाब आएगा, और इन केस अगर आपको HID डलवानी है तो इट डिपेंड्स अपॉन यू भाई, आपकी जितने पॉकेट आपका अलाउ करती है उतना खर्च करो, है ना भैया? हमने जो सीएन लाइट की डलवाई है भाई वो 5,500 के करीब थी कुछ, और जो नाइट आई डलवाई है भाई वो 2,000 के करीब थी, ऐसी कुछ है ना भैया? ऐसी है, इसमें वेरिएशन होते हैं नाइट आई। तो भाई बाकी डिपेंड करते हैं आपके पॉकेट के ऊपर, जितना आपका मन करे भाई उतना खर्च कर सकते हो, तो हमने अभी फिलहाल इतना ही खर्च करा है, और भाई जितना पॉकेट ने अलाउ करा भैया की भैया ने उतना ही खर्च करा है, स्टार्टिंग में बताया था ना भाई खर्चा होने वाला, तो भाई खर्चा हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और किसी भी पॉइंट पे भाई लगता है कि यार कुछ बढ़िया काम हो रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बहुत जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और भाई बहुत जल्दी बस करवा दो। डिंपल भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और सारा एड्रेस वगैरह सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, भैया का आके कॉल कर लेना, और भैया की दुकान पे आओ, और जब भी भाई कुछ भी लगवाना हो जरूरी है भाई इसी कार की लगवानी है, जैसे आपने अपनी बलिनो में भी देखी थी भैया से इंस्टॉल हुई थी, और भी कार की कौन कौन सी होती है बता दो। फॉर्च्यूनर इंस्टॉल हो रही है, आपको एक दिखा देंगे भाई, फॉर्च्यूनर भी इंस्टॉल हो रही है, वो भी मैं दिखा दूंगा। तो भाई हर एक लाइट हर एक कार की अपनी लाइट्स अवेलेबल है, तो भैया के पास आओ और आप इजीली इंस्टॉल करवा सकते हो। थैंक यू गाइस।